झारखंड में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। कल दक्षिणी भाग में गर्म हवाएं चलेगी, अगले तीन दिन बारिश बिजली के आसार। झारखंड में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 8 अप्रैल तक के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हीट वेव और बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य में कल तक हीट वेव के आसार हैं, वहीं 7 अप्रैल से तेज हवा वज्रपात के साथ बारिश की भी संभावना है। 8 अप्रैल को भी गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल को राज्य के उत्तरी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग में हीट वेव के आसार है। राज्य में कई जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर की होगी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 8 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के दक्षिणी भाग में इसका असर होगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है। वज्रपात के भी आसार है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राज्य में सबसे अधिक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में चाईबासा में 2.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़त दर्ज की गई है। रांची में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त आई है। इसी तरह जमशेदपुर बोकारो के अधिकतम तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई।